हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज आईटी अधिकारी एंड यू वाचिंग ए24। रैपर और सिंगर रफ्तार इन दिनों अपने किसी म्यूजिक एल्बम की वजह से नहीं बल्कि अपनी शादीशुदा जिंदगी में आए तूफान की वजह से सुर्खियों में बने हैं। आखिर शादी के 6 साल बाद रफ्तार अपनी बीवी कोमल वोरा से अलग जो होने जा रहे हैं। वैसे आपको बता दें, सिर्फ रफ्तार ही नहीं, बीते कुछ समय में कई सिंगर्स की शादीशुदा जिंदगी में तूफान आ चुका है। तो आइए आपको बताते हैं कि ऐसे कौन कौन से सिंगर्स हैं जो तलाक लेकर हो चुके हैं अलग। सिंगर और रैपर रफ्तार इस समय अपने किसी म्यूजिक एल्बम की वजह से नहीं बल्कि अपनी शादीशुदा जिंदगी में आए तूफान को लेकर खबरों में बने हुए हैं। आखिर शादी के 6 साल बाद रफ्तार अपनी बीवी कोमल वोरा से अलग होकर तलाक जो लेने जा रहे हैं। दोनों का तलाक इस साल अक्टूबर में फाइनल हो जाएगा। रफ्तार की डिवोर्स न्यूज सुनकर हर कोई हैरान है, तो वहीं उनके चाहने वालों का दिल टूट गया है। आखिर सिर्फ शादी ही नहीं बल्कि रफ्तार ने तो अपनी बीवी संग पहले 5 साल तक डेटिंग भी की थी, लेकिन कुछ वजहों से दोनों के बीच आई दरार अब भर नहीं पा रही है। लंबे समय से दोनों अलग ही रह रहे थे, यहाँ तक कि कपल ने 2020 में ही अपने तलाक की अर्जी भी अदालत में दाखिल कर दी थी, जिसके बाद अब इस साल अक्टूबर में रफ्तार की शादी कागजात तौर पर भी टूट जाएगी। वैसे सिर्फ रफ्तार ही नहीं बल्कि बीते समय में कई सिंगर्स की शादीशुदा जिंदगी में भूचाल आया। ये भूचाल रुका तो इनकी शादी तोड़कर। आइए आपको बताते हैं कि रफ्तार के अलावा और कौन कौन से सिंगर्स भी तलाक लेकर हो चुके हैं अलग। योयो हनी सिंह, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है सिंगर और रैपर योयो हनी सिंह का। हनी सिंह का तो बचपन से शुरू हुआ प्यार शादी में तब्दील हुआ था, लेकिन जब इनकी शादी टूटी तो इस पर भी खूब विवाद हुआ। आखिर हनी की वाइफ शालिनी तलवार ने अलगाव के साथ सिंगर पर घरेलू हिंसा का आरोप तक लगा दिया था। साथ ही शालिनी ने 10 करोड़ मुआवजे की मांग भी की थी। कनिका कपूर, बेबी डॉल सिंगर कनिका कपूर का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। कुछ समय पहले ही कनिका ने दूसरी बार शादी रचाई है, लेकिन इससे पहले कनिका की पहली शादी NRI बिजनेसमैन राज चंडोक से हुई थी। 18 साल की उम्र में कनिका की ये शादी हुई जिससे उनके 3 बच्चे हुए, लेकिन फिर साल 2012 में दोनों का तलाक हो गया था। अरिजीत सिंह, अब बात करते हैं अपनी आवाज से लोगों को अपना दीवाना बनाने वाले सिंगर अरिजीत सिंह की। अरिजीत ने 2 शादियां की हैं। उन्होंने पहली शादी रूपरेखा से 2013 में की थी। हालांकि ये शादी ज्यादा लंबी नहीं चली और 1 साल के अंदर ही दोनों का तलाक भी हो गया। इसके बाद उन्होंने अपनी बचपन की दोस्त कोयल रॉय से बंगाली रीति रिवाजों में गुपचुप शादी की। दोनों की ये दूसरी शादी थी। सुनिधि चौहान, अगला नाम है बॉलीवुड की प्लेबैक सिंगर सुनिधि चौहान का। सुनिधि ने भी 2 शादियां रचाई। 18 साल की उम्र में सुनिधि ने खुद से 14 साल बड़े डायरेक्टर बॉबी खान से शादी की थी। इस शादी का विरोध उनके परिवार में खूब हुआ था, क्योंकि बॉबी मुस्लिम भी थे और सुनिधि से काफी बड़े भी। फिर शादी के 1 साल के अंदर ही दोनों के बीच मतभेद बढ़ गए और दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया था, जिसके बाद म्यूजिशियन हितेश सोनिक संग सुनिधि ने दोबारा अपना घर बसाया था। हिमेश रेशमिया, आखिर में बात करते हैं सिंगर हिमेश रेशमिया की। हिमेश ने भी 2 बार शादी की। हिमेश जब 21 साल के थे तब साल 1995 में उनकी शादी कोमल से हुई थी। काफी लंबे समय तक दोनों का रिश्ता चला, लेकिन हिमेश ने 22 साल बाद अपनी पहली पत्नी कोमल से तलाक ले लिया था। मुंबई के बांद्रा फैमिली कोर्ट में हिमेश और कोमल का जून 2017 में तलाक हुआ था। इसके बाद हिमेश ने 2018 में लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड सोनिया कपूर से दूसरी शादी कर ली थी। ब्यूरो रिपोर्ट ई24।